अंटरम बॉस की तालुके की बात की जाए, एक बेहतरीन सितारा है सराली गांव से, और दिविश पाटिल और अभी मात्र की बात की जाए ना तो बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो चलेंगे इस वक्त पहले की तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा पीवीडी चषक, पहली मैच पहली गेंद अविनाश अजय टू दिवेश, पहली गेंद यहां पर खेला गया, खराब फील्डिंग, बैकअप बढ़िया है। खिलाड़ी की बात की जाए इस वक्त करण, करण के नाम में रन है, उन्होंने रन रोके हैं, रन को रोका गया, तालियों के साथ स्वागत किया, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा इस वक्त पेश किया गया। हमारे साथ स्कोर की भूमिका में नजर आते हैं इस वक्त समीर, हवा का झोंका शाम के वक्त में हमारे साथ जुड़ता हुआ, बेहतरीन काम प्रिंस और समीर दोनों ही बेहतरीन स्कोरिंग कर रहे हैं पहले दिन से इस प्रतियोगिता में। पहली गेंद बढ़िया फील्डिंग करण के माध्यम से, लेग ब्रेक गेंद थी इस वक्त, वहां पर मयूरेश गेंद को फील्ड किया, मौका बना है, मौका बना, मौके को भुनाया गया, पहला विकेट डाउन, डायमंड का शिकार, हम चलेंगे इस वक्त अंक। विकेट पर दौड़ते हुए आपको तीन शब्द उच्चारने होते हैं, यस नो वेट, आप जब जब इस तरह के शब्दों को उच्चारेंगे ना तो आपके स्कोर कार्ड पर रन भी देखने को मिलेगा और विकेट भी बचाए जाएंगे। यहां पर जब बल्ले पर गेंद लगी दौड़ पड़े दिवेश, अभी मात्रे का कॉल नहीं था मगर अपना विकेट सेक्रीफाइस किया, थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आया और पहला झटका लगता हुआ, देख सकते हैं अजय मोरे बेहतरीन शुरुआत, छोटा पैकेट बड़ा धमाका सरावली टीम की तरफ से, और यहां पर खराब गेंद है, बढ़िया फील्डिंग की गई, खिलाड़ी की बात की जाए करण रावत तो जरूर आतिश राउत चषक की तरफ से सरावली टीम को बेस्ट ऑफ लक और इस टूर्नामेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक की गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलेंगे यहां पर राहुल हैं, गेंद को फील्ड किया गया, दो रन लगे स्कोर कार्ड पर, गेंदों की बात की जाए गेंदे हो चुकी हैं तीन, तीन गेंदे दो रन, पहली दो गेंदों पर कोई रन नहीं था, एक विकेट चटकाया था, एक गेंद नो आई थी, उसके बाद इस गेंद पर हल्के बल्ले से सिंगल किया गया, कहते हैं ना पुश करो और खुश रहो, इस तरह का सिंगल लिया गया बल्लेबाज के माध्यम से। दिवेश पाटिल हल्के बल्ले से खेला, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे आ रहे हैं मगर छिन में नजर आएंगे गेंद को फील्ड करते हुए। तो यहां पर हम देख सकते हैं छोटे कद के खिलाड़ी हैं मिस्टर अजय मगर, मगर काफी इंप्रेस किया है, इनका पहला मैच देखा गया था पैराडाइज के खिलाफ तारापुर के खूबसूरत मैदान पर, जबीर खान जैसे बल्लेबाज को बीट करने में कामयाबी मिली थी इस गेंदबाज को, वही गेंदबाज काफी बेहतरीन कॉन्फिडेंस इस खिलाड़ी के पास, बढ़िया शॉट वहां पर, खराब फील्डिंग, खराब फील्डिंग यहां पर जयेश के माध्यम से, और ये चौका तो रन मिलेंगे चार, तो सात पड़ी टीम का बेड़ा होगा पार, यहां पर चौका लगाए तो हम चलेंगे इस वक्त डीजे मास्टर की तरफ। आपको कम करना है सभी टीमों को कॉलिंग होगा और एक ऑफिशियल कॉल किया जा रहा है, बल्लेबाज जो आउट होगा वही डगआउट की तरफ जाएगा, जो बल्लेबाज मैदान के अंदर होगा वो मैदान के अंदर रहेगा। स्कोर कार्ड की बात की जाए सात, आखिरी गेंद एक चौका दो सिंगल एक नो बॉल, फिर से एक बार खराब गेंद बॉक्स आउट के रूप में यहां पर विकेट आता हुआ, तोहफा दिया था बल्लेबाज को, मगर कहते हैं ना दिवाली में जब हम तोहफा देते हैं ना तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है, तो बल्लेबाज को तोहफा दिया था रिटर्न गिफ्ट, अपना विकेट छटका गवाया मिस्टर पावेश पाटिल, बैक टू डगआउट और दूसरा छटका इस वक्त साई गणेश सात पार्टी टीम को लगता हुआ। तो इस वक्त न्यू बैटर मैदान के अंदर आगे मिस्टर अभय, तो भावेश पाटिल मैदान के बाहर और इस वक्त अभय पाटिल तरे, माफ कीजिएगा अभय तरे आ रहे हैं, एक अनुभवी खिलाड़ी है, काफी सालों का अनुभव इस खिलाड़ी के पास है, साई गणेश सात पार्टी टीम काफी सालों से खेल रही है, तब से इस टीम यहां पर प्रतिनिधि कर रहे हैं। यहां पर अभय आए हैं, दिवेश और अभय, ये जोड़ी काफी कारगर साबित होगी। बात की जाए दो सितारे मैदान के बाहर, हर्षद नजर आएंगे आज, योगेश नजर नहीं आ रहे हैं, महेश नजर आएंगे एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बसंत की बात की जाए बसंत गुप्ता, आखिरी गेंद रन लगे हैं आठ, दो विकेट की हवा बल्लेबाजी करती हुई साई गणेश सात पार्टी, हल्के बल्ले से खेला गया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं,
जयेश गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक एक रन का इजाफा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली, एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, 9 रन लगे हैं 2 विकेट के नुकसान पर। हम देख रहे हैं इस वक्त मैदान के अंदर पीवीडी ट्रॉफी 2023 दूसरा संस्करण, खूबसूरत ट्रॉफी देखने को मिलती हुई। अंपायर मात्र 25 मिनटों के अंदर आपको 6 ओवर समाप्त कर, सरावली टीम आपको भी ध्यान देना है मयूरेश, 25 मिनटों का वक्त होगा, 25 मिनटों में आपको हर एक ओवर इनिंग समाप्त करनी है। तो लेफ्ट हैंड गेंदबाज आएंगे राहुल माछी इस वक्त गेंदबाजी के लिए, एक बेहतरीन हरफॉर्मूला खिलाड़ी। राहुल की बात की जाए तो इन्होंने भी बहुत बड़ी इंजरी के बाद कमबैक किया है, क्रिकेट का ऐसा जुनून है, इंजरी के बाद भी खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आता है मैदान के अंदर। राहुल इस वक्त गेंदबाजी के लिए, लेग ब्रेक थी, गेंद ऊपर उंगलियां घुमाई थी, हल्के बल्ले से जरूर खेला, अभय तेरे के बल्ले से दूसरा रन आता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जहां पहुंचा डबल फिगर में कन्वर्ट होता हुआ 10 रनों पर, 10 पर 2 विकेट गवाकर बल्लेबाजी कर रही है टीम साई गणेश सात पाड़ी। इसके बाद जो मैच देखेंगे, पैराडाइज बोईसर बनाम जय हनुमान उनबाट, एक बड़ा बैटल दो बड़े खिलाड़ी के बीच में देखने को मिलेगा। आशीष मोरे नजर आए, आशीष सिंगल चुराया गया, ये चीकी सिंगल कहते हैं इसे। इस वक्त हम देख सकते हैं 20-22 यार्ड के इस मैदान पर क्रिकेट का जो पागलपन है ना वो नजर आता हुआ। सुबह की वक्त हो या रात का वक्त, हर एक खिलाड़ी हर एक क्रिकेटर बल्ला लेकर मैदान पर उतरता है। इस वक्त पुश किया गया, फिर से एक बार गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक एक रन, एक एक सिंगल रन बटोर रहे हैं। कहते हैं ना अगर आपको ऊंची सीढ़ियां चढ़नी है तो एक एक सीढ़ियों पर आपको चलना होता है, वही कर रहे हैं इस वक्त साई गणेश सात पाड़ी के बल्लेबाज। दिवेश के बल्ले से बेहतरीन शॉट, जयेश पे एक बार थोड़ा सा फंबल हुए हैं, बॉडी टच पर गेंद रुकती हुई, मगर वहां पर सर्विस संख्या है। टीम के कैप्टन इस वक्त लीड कर रहे हैं टीम को, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया गया, एक रन का इजाफा। स्कोर कार्ड की बात, डॉट बॉल आई माफ कीजिएगा, स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पर लगे हैं 12। गेंदों की बात की जाए, गेंदे हो चुकी है 4, राहुल ने इंप्रेस किया है और तारीफ करने के 2 विकेट चटकाए हैं पहली ओवर में अजय मोरे ने, एक रन आउट एक बॉक्स आउट के रूप में। तो दिवेश इस वक्त स्ट्राइक पर, पार्टनरशिप किया गया वहां पर, मयूरेश गेंद को फील्ड करेंगे, मगर एक रन पूरा किया गया। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जहां पहुंचा 13 अंकों पर, 13 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 1 बॉल रिमेनिंग सेकेंड ओवर। बॉलर की बात की जाए, इस वक्त राहुल माछी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 खर्च किए अभी तक, एक बॉल आउट आती हुई, और इस वक्त एक सिंगल बटोरा गया, ओवर समाप्ति होती हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड लगे हैं 14-14, 7 के औसत रन लगाए गए हैं। तो चलेंगे इस वक्त 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर लगे हैं 14 रन। पीवीडी चषक 2023 का हम बेहतरीन खूबसूरत नजारा देखते हुए इस वक्त चिल्ड्रन पार्क के इस मैदान पर, अभी तक दूसरे संस्करण में है, सोनू यादव के नेतृत्व में इस प्रतियोगिता को हम देख रहे हैं, उनके बंधु और पूरी टीम इस वक्त जुड़ी हुई है, बढ़िया मेहनत इस प्रतियोगिता के माध्यम से ली गई है। 3 अंपायर नजर आ रहे हैं हमें, धीरज मोरे, अफजल हाशमी, रियाज कुरेशी, ऐसे 3 अंपायर। तो चलेंगे इस वक्त अच्छे गेंदबाजी के लिए, लेग ब्रेक गेंद कट किया गया वहां पर, राहुल माछी गेंद को ढकेला गया, बढ़िया फील्डिंग। जब जब रन आएंगे तालियां बजेंगी, जब जब डॉट गेंदे आएंगी तब तब तालियां बजेंगी। कहते हैं ना क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट खेलते खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम करने वाले दर्शक क्रिकेट की जान होती है, और दर्शक क्या देखना चाहते हैं, बढ़िया खेल, बल्लेबाज को चौके लगाते हुए, गेंदबाज को विकेट चटकाते हुए, और खिलाड़ियों को बेहतरीन फील्डिंग करते हुए देखना चाहते हैं। और जब भी ऐसा कुछ घटता है मैदान के अंदर तो तालियां अपने आप बजती है, यही देखने को मिला राहुल की बेहतरीन फील्डिंग पर। छोटी गेंद फॉलो थ्रू में गेंद को खेला गया था, फंबल हुए थे, मगर गेंद आखिरी वक्त पर पैरों पर लगी है, डॉट बॉल। एक चौका लगाया है बल्लेबाज ने, मगर वो बल्लेबाज मैदान के बाहर है। शॉट बढ़िया वहां पर, कल्पेश गेंद को फील्ड करने का बना है, गलती की गई, यहां पर 2 रन आएंगे ओवर थ्रो के रूप में, एक और सिंगल के रूप में, मौका बना था रन आउट का, मौके को गवाया, फील्डिंग बढ़िया थी, एक्यूरेट थ्रो किया गया था मगर गैदर नहीं कर पाया मिस्टर दीपेश। तो ये यहां पर स्ट्राइक पर आएंगे दिवेश पाटिल। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली 17 पर जा पहुंचा है, 17 लॉस ऑफ 2 विकेट्स अभय मात्रे और दिवेश मैदान के अंदर। शॉट बढ़िया, गैप में गेंद, करारा प्रहार, क्रैकर, चारस।
तो 21 लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर। चिन्मय ने प्रयास बढ़िया था मगर गेंद काफी तेजी से निकलती हुई, गेंदों की बात की जाए गेंदी हो चुकी है 4। और यहां पर हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, फिर से एक बार थोड़ा सा विकेट की वजह से गलती होती हुई, एक रन का इजाफा। स्कोर कार्ड की बात कीजिए, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली 22। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर, 22 लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर। आने वाली इस ओवर की भी आखिरी गेंद बाकी होगी। जड़ में रखा था, बेहतरीन शॉट, मैदान को आग लगाती हुई गेंद डीप पॉइंट रीजन में 4 रन के लिए। ये एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है इस खिलाड़ी के पास। मात्र दिशा दी है, चौका बटोरा गया। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 8.66 के औसत से लगे हैं इस वक्त 26 रन। तो देखेंगे आने वाले 3 ओवर कितने रन बनाएगी टीम दिवेश और अभय, तेरे पार्टनरशिप बन रही है। दूसरे विकेट की बात की जाए, दूसरा विकेट गवा गया था टीम की बात की जाए। तो 8 पर पहला विकेट गवाया था। इस वक्त बात की जाए 18 रन की पार्टनरशिप लग चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। चौके आए इस पार्टनरशिप में 2। बात की जाए 5-6 सिंगल, 1 डबल, 2 गेंदे डॉट। गेंदबाज की बात की जाए राहुल माछी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पैराडाइज बॉय सर। और विनती करूंगा जैन उनबाट अपनी टीम लिस्ट हमारे तक पहुंचाइए प्लीज। स्विच हिट खेला गया, वहां पर है अजय, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन में तब्दील होती हुई गेंद। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 27 पर लगता हुआ स्कोर कार्ड। देख सकते हैं आने वाली गेंदों की बात की जब भी इस इनिंग में 17 गेंदों का खेल बाकी होगा। हल्के बल्ले से गेंद यहां पर लगी है, विकेटकीपर गेंद को फील्ड करते हुए। बड़ा शॉट खेला गया गैप में, कहते हैं ना सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक जो ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, मंजिलें उन्हें ही मिलती है जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इस वक्त गेंद को रास्ता बनाया और गैप में ढकेला अभय तरे, अनुभव बेहतरीन, बेहतरीन शॉट, 4 रन। फिर से एक बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बैट का सिरा लगा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, सर्वेक्षण के बेहतरीन फील्डिंग। कहते हैं ना कि जाना चाहते थे जापान, पहुंच गए चीन, इस तरह का ये शॉट था। ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गई है। 1 रन का इजाफा, स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में होते तब्दीली 32 पर जा पहुंचा है। तो यहां पर डेड बॉल होगी जरूर, बल्लेबाज तैयार नहीं थे, थोड़ा सा जल्दबाजी और अंपायर शार है, डेड बॉल, 3 अंपायर जुड़ चुके हैं। तो यहां पर डेड बॉल जरूर आएगी। बढ़िया गेंद, करारा स्मैशर, उतनी खूबसूरत फील्डिंग, मौका बना, तीसरा झटका। यहां पर बल्लेबाजों की गलती नहीं है, गलती यहां पर बल्लेबाजों की नहीं, क्योंकि इतना बेहतरीन शॉट था, दिवेश को लगा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी मगर अपने आप को झोंक दिया। बढ़िया फील्डिंग ही कल्पेश बोहिर नजर आए और अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए। और बल्लेबाज की बात की जाए, अभय तरे मैदान के बाहर, न्यू बैटर इस वक्त अर्षद मैदान के अंदर, हर्षद आएंगे मैदान के अंदर। अर्जुन नाम से ज्यादा प्रसिद्धि मिली इस खिलाड़ी को। बात की जाए हर्षद पाटिल और धर्मेश पाटिल, दो भाइयों की जोड़ी इस टीम में खेलती हुई नजर आएगी। तो छोटे बंधु इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए 70 नंबर की जर्सी परिधान की है पैराडाइज बॉयसर। और विनती करूंगा मैं जयन अनुभाट प्लीज अपनी फॉर्म फिलअप करा लें। ये खराब गेंद है, ये दिशा से भटकी हुई गेंद है, ये एक्स्ट्रा रन देने वाली गेंद डाली गई है। स्कोर कार्ड की बात की जाए, 33 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। बढ़िया शॉट यहां पर, दिवेश पाटिल ब्रांडेड चौका आता हुआ। हम चल गए अंकित डीजे की तरफ। वन एंड ओनली हैं 8.75 की औसत से रन बनाए गए इस वक्त, माफ कीजिएगा 9.25 की औसत से रन लगाए गए 37। आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी होगा। दीपेश घरत एक अनुभवी गेंदबाज, विकेट के पीछे हम देख सकते हैं कप्तान सर्वेश संघ के। तो यहां से देखेंगे दीपेश किस तरह से गेंदबाजी करें। अर्चू इस इनिंग की पहली गेंद खेलेंगे। दीपेश की बात की जाए, अभी तक तो बेहतरीन चौके लगाए गए इस वक्त मैदान के, तो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद यहां पर
ललचाया था, फसाया था, गेंद आकर पैरों पर लगती हुई लेग 22 के रूप में एक रन ऐड किया जाएगा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली 38 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड 38 अंकों पर। 38 रन लग चुके हैं। जय हनुमान उनबाट अपना कैप्टन को भेजिए प्लीज। उनबाट टीम शॉट बढ़िया फॉलो थ्रू में उतनी खूबसूरत फील्डिंग चिन्मय। दो गेंदे एक खर्च है मगर तारीफ करनी होगी जिस तरह से पहली शुरुआत की थी गेंदबाज थोड़ा सा महंगे साबित हुए हैं मगर बढ़िया गेंदबाजी होती हुई। शॉट बढ़िया वहां पर कल्पेश बोहिर लगातार दो गेंदे डॉट स्लोगर में बड़े शॉट खेलने की चाहत में दो गेंदे डॉट खेली है। 38 पर स्कोर कार्ड रुका हुआ। शॉट बढ़िया वहां पर मयूर थोड़ा सा फंबल हुए मौका बना था मगर एक सिंगल आता हुआ। तो बात की जाए थोड़े से डिसबैलेंस थे गेंद हाथ में आई नहीं थी थ्रो करना नहीं चाहते थे मगर अपने आप को रोका एक रन का खामियाजा भुगतना पड़ा मगर बेहतरीन फील्डिंग का मुजहरा पेश करते हुए। स्कोर कार्ड की बात की जाए 39 पर जा पहुंचा है। क्या गेंदबाजी है, चार गेंदों में दो खर्च किए हैं, दो गेंदे डॉट डाली है, एक लेगबाजी सिंगल के रूप में और यहां पर गिल्लियों को बिखेर दिया है। सरप्राइज किया था बल्लेबाज को मगर अर्चू बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, दो गेंदे सिल्वर का शिकार मैदान के बाहर। बात की जाए बैट्समैन की इस वक्त नए बल्लेबाज प्रीतेश नजर आएंगे। प्रीतेश इस वक्त मैदान के अंदर, प्रीतेश की बात की जाए ये मैदान काफी यादगार होगा, एक मैच हमने देखा था। प्रेषित नजर आएंगे, माफ कीजिएगा प्रेषित है, ये मैदान काफी यादगार होगा जब भिलवाड़ी के खिलाफ एक मैच थी खूबसूरत तरीके से मैच विनिंग पारी धर्मेश पाटिल और प्रीतेश ने खेली थी, 6 रन डिफेंड किए थे अपने ओवर में, बेहतरीन गेंदबाज है मगर इस वक्त बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेजा गया है। बसंत गुप्ता ने अपने आप को रोका, महेश यादव को रोका है, धर्मेश को रोका है, प्रेषित पर भरोसा दिखाया है कप्तान ने। तो देखेंगे आखिरी गेंद इस ओवर की, मात्र 2 रन खर्च किए दीपेश घरत। बढ़िया शॉट वहां पर खिलाड़ी थे अजय मोरे मगर क्या गेंदबाजी है, कम बैक करने वाली गेंदबाजी। 4 ओवर में 37 थे, इस ओवर में मात्र 3 आए हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 8 के औसत से लगे 40 विकेट नंबर की बात की जाए, 4 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम नजर आ रही है साई गणेश सातपाड़ी। तो मैं दोनों ही कैप्टन से गुजारिश करूंगा इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा, पैराडाइज बुलसर टीम के कैप्टन और जय हनुमान उनबाट टीम के कैप्टन वैभव टॉस के लिए आइए टॉस बॉक्स पर, हमारे साथ टॉस बॉक्स पर जुड़ेंगे इस ओवर के बाद मिस्टर प्रीतम घरत। कल्पेश भोईर इस वक्त गेंदबाजी के लिए आते हुए आखिरी 6 गेंदे, निर्णायक 6 गेंदे होंगी, ये 6 गेंदे कहानी लिखेंगी नेक्स्ट इनिंग में कितने रन का लक्ष्य रखा जाएगा मैदान के अंदर। सरावली टीम के सामने प्रेषित इस वक्त मैदान के अंदर होंगे और नो स्कोर का कॉल, यहां पर विकेट का पतन और यहां पर एक थोड़ा सा मुश्किलात होगी, नो स्कोर खेला बल्लेबाज ने, न्यू बैटर स्ट्राइक पर नजर आएगा, दिवेश नो स्ट्राइक पर नजर आएंगे तो ये बढ़िया होगा, ये बढ़िया बात होगी। तो चलेंगे इस वक्त मैदान के अंदर, देख सकते हम 40 लगे स्कोर कार्ड पर। विकेट नंबर की बात की जाए विकेट यहां पर डाउन होते 5 विकेट गवा चुके हैं अभय तरे बाद आउट हुए, अभी मात्रे आउट हुए, उसके बाद भविष्य पाटिल बात की प्रेषित और अर्चू, इस तरह के 5 विकेट गए हैं। बसंत गुप्ता और अंपायर के नियम है बढ़िया, यहां पर क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है तो यहां पर दर्शाते हुए धीरू हल्के बल्ले से खेलना चाहते, गेंद बाउंड्री पर लगी है वहां पर विकेट कीपर सर्वेश संकेत को फील्ड कर रहे हैं, लेग 22 के रूप में एक रन ऐड होता हुआ 41 पर जा पहुंचा है। पिछली 8 गेंदों की बात की जाए 4 रन आए हैं, विकेट की बात की जाए 2 विकेट गवाई दिवेश पाटिल की टीम साई गणेश सातपाड़ी। थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा दबाव बनाया गया है टीम साई गणेश सातपाड़ी टीम के ऊपर, टीम सरावली के गेंदबाजों ने क्या गेंदबाजी की गई, लगातार डॉट गेंदे, पिछली 8 गेंदों में 4 रन आए हैं, बेहतरीन गेंदबाजी, बढ़िया कम बैक, आखिरी 4 गेंदे। गेंदबाज की बात की जाए कल्पेश भोईर साइड पर होंगे, दिवेश पाटिल अभी तक 2 चौके लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उड़ाया इस वक्त कारपेट को रोल कर गेंद को भेजा है मैदान के बाहर, ये आता हुआ पीवीडी चौका। हम चलेंगे डीजे मास्टर की तरफ। चौके लगाए अभी तक उनके बल्ले से और सिंगल की बात की जाए तो 6 सिंगल उनके बल्ले से आते हुए, बढ़िया शॉट खेलना चाहते थे मगर तेज तर्रार थी यहां पर अजय मोरे, बढ़िया फील्डिंग
क्या दिमाग है, चतुर चालाक, पता है दिवेश स्ट्राइक लेंगे तो नौ स्ट्राइक पर थ्रो किया गया, बल्लेबाज निकल नहीं सकता था। गेंदों की बात की जाए, गेंदी हो चुकी है चार, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर लेग बाय से सिंगल, तीसरी गेंद पर चौका, इस गेंद पर सिंगल, दो गेंदे बसंत गुप्ता इस वक्त स्ट्राइक पर, कट किया गया इस वक्त। अजय मोरे गेंद को फील्ड करेंगे, बढ़िया खूबसूरत फील्डिंग, कहते हैं ना छोटा तीर वार करे गंभीर, इस तरह का ये खिलाड़ी है, अपने आप को साबित कर रहा है। दो ओवर जाली है, बढ़िया गेंदबाजी की गई, पहले ओवर में आठ खर्च किए थे, एक विकेट चटकाया, दो विकेट चटकाए थे, दूसरी ओवर थोड़े महंगे साबित हुए थे, मगर बढ़िया फील्डिंग का मुजहरा पेश करते हुए। स्कोर कार्ड पर हम देख सकते हैं 47-47 आखिरी गेंद कल्पेश भोईर, यहां पर ये बढ़िया गेंद है, ये चार रन काफी इंपोर्टेंट होंगे, जब गेंदबाजी करने टीम आएगी साइकिल साथ पड़ी तो अलग मोटिवेशन मिलेगा। 50 के ऊपर जा पहुंचा स्कोर कार्ड, 51-52 रनों का लक्ष्य होगा, 52 रनों का लक्ष्य आने वाले 36 गेंदों में। तो मैंने देखा टॉस के लिए आना है टीम पैराडाइज बॉयज सर, और बात की जाए पैराडाइज बॉयज सर और जयरमान उनबाट उनबाट टीम, तो जरूर हम टॉस बॉक्स में देख सकते हैं आज टॉमी जेरी, एक छोटा सा मुजाहरा पेश किया जा रहा है, आज टॉयज भी नाचते नजर आएंगे पीवीडी चषक में। तो चलेंगे टॉस बॉक्स पर, टॉस बॉक्स में जुड़ेंगे मिस्टर प्रीतम घरत। ठीक, धन्यवाद यूसुफ सैयद, धन्यवाद यूसुफ सैयद। ये हमारे साथ जुड़ चुके आप देख सकते हैं, डीएनसी अविनाश स्मृति चषक में शुरुआत हुई इस चीज की, खोज हुई और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट में नजर आ रही हमारे थैंक यू। हेलो माइक चेक, या टॉस साठी शेवटचा कॉल असेल पॅराडाइज आणि उनबाट, लवकर या इनिंग ब्रेक मध्ये आम्हाला टॉस करायचा आहे। यस उनबाट टीम आणि पॅराडाइज, उनबाटचा आलेला आहे पॅराडाइज, यस दोन्ही टीमचे कॅप्टन आलेले आहेत। सर अफजल टॉस के लिए भेज दे, यहां पे न्यू टेक्नोलॉजी चार्जिंग साइकिल नजर आती हुई उकाया की, हमारे राजू जी यहाँ पे मौजूद है, उनके शुभ बातों से टॉस किया जाएगा। सबसे पहले फोटोशूट, यस सर, कॉल कौन करना, यस सर चॉइस कॉल उनबा टीम करना। हेलो 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 हेलो, यस सर पुनः एकदा उड़ला जाए, शोले मधला टॉस उड़ला उभा झाला कॉइन छाप टॉस विन इथे उनबा टीम, अभिनंदन पहिले टॉस जिंकल्याबद्दल तुला वैभव, काय निर्णय असेल तुझा? आमचा फर्स्ट बॅटिंग करायचा निर्णय असेल। आणि गावचे प्रेक्षक आलेत का जोडीला तुमच्या? हो आलेले आहेत, आता माहित नाही अजून येत आहेत कोण, नक्की आहे ते। यस किती टार्गेटच्या आतमध्ये थांबवलं जाईल, किती धावा मात्र स्वतःसाठी कितीचं टार्गेट घेतलं जाईल? आम्ही 50+ करायचा प्रयत्न करू। 50 आत असे कोणते गोलंदाज असतील जे जब्बीर खान ला आउट करेल? सॉरी तुम्ही बॅटिंग घेतलेले, सॉरी बॅटिंग घेतलेले, बॅटिंग घेताना 50+ करतील, कोणते असे बॅट्समन असतील आज? आशिष अवेलेबल आहे का? आशिष तर आज अवेलेबल आहे असं वाटते बोलत आहेत। यस बेस्ट लक असेल, मी ऐकलं होतं त्यामुळे थोडी गडबड झाली, बॅटिंग घेतलेले। चला टॉस निलेश साहब हार चुके, फिल्डिंग आपको मिली है, क्या डिसीजन रहता अगर टॉस जीते? फील्डिंग लेते टॉस जीतने के बाद, यानी कि जैसा मन था वही डिसीजन मिला है मन मुताबिक। कितने रनों के अंदर रोकना चाहेंगे सामने वाली टीम को?
40 के अंदर, 40 के अंदर। पास्तल में हरा था, कोई प्रेशर है इस वक्त उनबा टीम का? नहीं नहीं कोई प्रेशर नहीं है। इस बेस्ट लक आपकी टीम के लिए। आखिरी सवाल की पीवीटी चषक ये कैसा लग रहा है आपको? टूर्नामेंट बहुत अच्छा है और यह ग्राउंड हमारे टीम के लिए भी बहुत लकी है, तो हम लोग अच्छा खेलने का कोशिश करेंगे। इस कार्टून के बारे में क्या कहोगे? अमेजिंग। यस, बेस्ट लक आपकी टीम के लिए। चलते हम कॉम्बॉक्स में जहाँ पे जुड़ जाएंगे आपके साथ मेरे साथी कॉमेंटेटर यूसुफ सैयद सर। धन्यवाद प्रीतम। तो चलेंगे मैदान के अंदर। पहली पर विकेट चटकाया लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राहुल, कट किया गया बेहतरीन कवर बॉल पर गेंद को खेला गया, यह आता हुआ चौका सरावली टीम के लिए। मैंने कहा ना ये बेहतरीन खिलाड़ी है, ये हरपन मोला खिलाड़ी इस वक्त बेहतरीन कट किया गया, आखिरी वक्त तक गेंद को देखा बेहतरीन सुपर शॉट, चार रन पीवीटी चौका आता हुआ। पहली गेंद वाइट डाली थी, उसके बाद एक विकेट चटकाया, इस वक्त चौका आता राहुल के बल्ले से। हल हल चिक। तो चलेंगे मैदान के अंदर। दो गेंदें हो चुकी हैं, पांच लगे स्कोर कार्ड पर, 52 रनों का लक्ष्य रखा गया है 36 गेंदों में। बात कीजिए अभी भी बनाने इस मैच को जीतने के लिए। 47 विकेट के पीछे बसंत गुप्ता नजर आते हुए, ऑफ साइड पर चार, ऑन साइड पर तीन खिलाड़ी, हल्के बल्ले से खेला, यह सेंसिबल क्रिकेट है। चौंका आया है, सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आएंगे। तो हम इसके बाद जो मैच देखेंगे, जय हनुमान उनबाट बनाम पैराडाइज बॉयसर। जय हनुमान उनबाट टीम की बात की जाए तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अमूमन कोई भी टीम पहले गेंदबाजी करती है, मगर जय हनुमान उनबाट टीम इस तरह की क्या टीम है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का मन बनाती है और लक्ष्य देती है सामने वाली टीम को, क्योंकि गेंदबाजी अटैक काफी बढ़िया है उनके पास, वैभव कुशल और बात की जब मनीष जैसा एक बेहतरीन गेंदबाज अटैक है उनके पास। तो मैच देखने को मिलेगा इसके बाद बेहतरीन बैटल उनबाट बनाम पैराडाइज। लेट कट जयेश के बल्ले से एक सिंगल आता हुआ, स्कोर कार्ड एक से आगे चलता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए, सात लगे हैं स्कोर कार्ड पर, सात पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। गेंदों की बात की जाए, गेंदी हो चुकी है अभी तक चार, बेहतरीन काम हमारे साथ स्कोर करते हुए मैनुअल स्कोर मिस्टर समीर नजर आ रहे हैं, हर एक गेंद की जानकारी हमारे तक पहुंचाते हुए। और हर्षद इस वक्त गेंदबाजी के लिए, हर्षद गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे। फिर से एक बार कट किया बेहतरीन, क्या पंच है, क्या टाइमिंग है, क्या नजारा है। बल्लेबाज की बात की जा, राहुल माछी क्या खूबसूरत शॉट खेला है, आखिरी वक्त तक गेंद को देखा और क्या पंच किया गया बेहतरीन खूबसूरत पीवीटी चौका आता हुआ राहुल के बल्ले से। स्कोर कार्ड होती हुई तब्दीली, डबल फिगर में स्कोर कार्ड करना होता हुआ 11 लग चुके हैं। यहां पर टीम मीटिंग करने पर मजबूर किया राहुल के शॉट ने साइगन सात पार्टी को। चलो विनती करूंगा, शादाब शादाब, वो जो बच्चे पर्दे से बाहर निकले आपके नीचे, तो जरूर एसपीएल में ओम साई टीम के आइकॉन होंगे राहुल। यहां पर ये बढ़िया बल्लेबाज है, कहते हैं ना चौका लगने के बाद आपको सिंगल लेना होता है, तो यहां पर यही कर रहे हैं, क्या कारगर बल्लेबाजी। 12 बन चुके हैं पहली ओवर की समाप्ति के बाद। आने वाली गेंदों की बात की जाए तो तीन ओवर में लगाने 40 इस मैच को, जो पांच ओवर में लगाने 40, आठ के औसत रन बनाने, तो मैच बैलेंसिंग है, मैच बन चुका है। कल्पेश भोई पहली गेंद पर आउट हुए थे, मगर राहुल माछी ने आकर जिम्मेदारी ली है, एक तरफ जयेश तो एक तरफ राहुल। चेक यहां पे ऑर्गेनाइजर पहुंच चुके हैं, उनका तहे दिल से स्वागत। हेलो, यहां पे हमारे ऑर्गेनाइजर सोनू भाई पहुंच चुके हैं, उनका तहे दिल से स्वागत, वेलकम। तो जरूर पीवीटी ट्रॉफी 2023 में जो भी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे सभी का हम तहे दिल से इस्तेमाल करना चाहेंगे पीवीटी ट्रॉफी 2023 में। चलो मैच शुरू करें, ज्यादा वक्त नहीं, साइकिल सात पार्टी मात्र 25 मिनटों का वक्त होगा, टाइम आपके पास लगाया गया 25 मिनट के आगे आप जाएंगे तो जरूर पैनलाइज किया जाएगा, ध्यान में रखना है आपको सभी टीमों को। महेश की पहली गेंद, करारा स्मैशर वहां पर भावेश पाटिल, फुल टॉस बॉल थी मगर डॉट बॉल आई है, सात गेंदे 12 लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर, 29 गेंदे 40 की दरकार। फिर एक बार फॉलो थ्रू में गेंद को खेला गया, वहां पर खराब फील्डिंग, खराब फील्डिंग का मुजाहरा, गेंद फॉलो थ्रू में थी, कैच लेना चाहते थे मगर हर्षल को बीट कर निकल जाती भी गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर, चार रन के लिए।
तो चलेंगे इस वक्त मैदान के अंदर, चौका जरूर आया। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली, 16 लगे स्कोर कार्ड पर। महेश गेंदबाजी के लिए तैयार। ओहो, और यहां पर आखिरी वक्त पर गेंद को कट किया गया, आखिरी वक्त तक गेंद को देख रहे हैं लेफ्ट हैंडर बैटर। बात की जाए लेफ्ट हैंडर बैटर के बारे में, नेचुरल बल्लेबाजी, नेचुरल गेंदबाजी करते हैं। अंडर बॉक्स क्रिकेट की बात की जाए तो सुमित दुबे, दर्पण मोरे, हर्षल घरत, ऐसे बल्लेबाज हमने देखे हैं। अफजल हाशमी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राहुल माछी को देख रहे हैं। और बात की जाए सीनियर खिलाड़ियों की तो अशरफ मेमन और प्रशांत भाविस्कर, प्रशांत भाविस्कर की बात की जाए बेहतरीन क्लास बल्लेबाज। उसके बाद हर्षल घरत, मैन फ्रॉम नौली, मैन फ्रॉम पालघर के दो खिलाड़ी दर्पण मोरे, सुमित दुबे क्लास बल्लेबाज, राहुल माछी को देख रहे हैं इस वक्त मैदान के अंदर क्लास बल्लेबाजी करें। हफ्ता लाश में भी देख सकते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की बात करें नेचुरल बल्लेबाजी करते हैं, वही दर्शा रहे इस वक्त मैदान के अंदर मिस्टर राहुल माछी। यहां पर थोड़ा सा बाहर थी और देख सकते व्हाइट बॉल, ऑफ टर्म के काफी बाहर व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, स्कोर कार्ड एक से आगे चलता हुआ, स्कोर कार्ड जा पहुंचेगा 18 रन। नो आर्ग्यूमेंट्स, जो इनफील्ड डिसीजन देगा आपको मान्य करना होगा, प्लीज कॉर्पोरेट कर लीजिए। अंपायर रहे मैदान के अंदर, तीन अंपायर हम देख सकते हैं। रिव्यू, एक कैमरा, सिंगल कैमरा रिव्यू नहीं रखा है, डीआरएस का कोई उपलब्ध नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। सभी टीमों के अनाउंसमेंट है। ओके, मैच शुरू करिए। दिवेश, पहले यहाँ पर कहा गया सिंगल कैमरा है, लाइव ओमसाई के साथ है हम, तो डीआरएस उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर पहले ही बात हो चुकी है, प्लीज कॉर्पोरेट करिए। व्हाइट बॉल और सभी से गुजरा, ऑन फील्ड जो डिसीजन होगा वही आपको मान्य करना होगा। अंपायर है, अंपायर की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड क्रिकेट आपको खेलना है मैदान के अंदर। यहां पर हल्के बल्ले से चॉप किया, सिंगल आएगा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड की बहुत ही तब्दीली, 19, मैच बराबर का चल रहा है, दोनों टीमें बराबर की टक्कर वाली, एक तरफ साई गणेश सातपाड़ी तो एक तरफ बात की जाए सरावली। चार गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ, 19 लगे हैं, चार गेंदे, पहली गेंद डॉट, उसके बाद एक चौका, एक सिंगल, एक वाइड, एक सिंगल, इस तरह से 7 रन खर्च किए हैं अभी तक इस ओवर में। हल्के बल्ले से खेला है, जड़ में थी दिवेश पाटिल, जब तक इनको फील्ड करेंगे सिंगल रन बटोरा जाएगा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड चापा जब 20 अंकों पर, आने वाली 25 गेंदे इस मैच को जीतने के लिए बनाने हैं, 32 की दरकार। यहां पर बढ़िया गेंद, लेग ब्रेक गेंद बाहर निकाली गई, बीट हुए जयेश माछी। ओवर नंबर समाप्त होती हुई इस वक्त दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर लगे हुए 10 की औसत से 20, एक विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई सरावली। आने वाली 4 ओवर 8 के औसत से लगाने हैं 32 इस मैच को जीतने के लिए, प्रति ओवर 8 जो रिक्वायरमेंट है वहां पर मेंटेन करते हुए सरावली टीम। चला जगदीश अंपायर, वक्त कम लेना है आपको, कॉलिंग करना है टीम को, तुरंत मैच शुरू करना है क्योंकि आज हमें 7 मैचेस खिलाने, 6 ओवर के मैचेस हैं। और बात की जाए वक्त, वक्त किसी के साथ नहीं चलता है, हमें वक्त के साथ चलना होता है, तो वक्त को पाबंद रहिए और मैच की शुरुआत कीजिए। चला साईगण सातपाड़ी संघ बसंत, शेवटचा अंतिम कॉल आहे, जास्त वेळ घ्यायचं नाही, प्लीज टीम मीटिंग करायची नाही, सगळं संपलंय। और हर एक टीम को कॉल होगा, अपने गेंदबाज जो इंट्रोड्यूस करेंगे आप या बल्लेबाज, उन्हें उस क्रम पर आपको तैयार रखना है क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। और बात की जाए आज मेगा फाइनल हमें खिलानी है, आखिरी दिन है, 9 बजने के लिए बात कीजिए, 8 मिनट का वक्त बाकी है, पहला मैच चल रहा है मैदान के अंदर। बसंत गुप्ता आएंगे इस वक्त गेंदबाजी के लिए, हर्षल नजर आएंगे विकेट के पीछे, राहुल माछी ऑन स्ट्राइक। बढ़िया शॉट, गेंद को खेला डिक्लेयर जोन में, गेंद जाती हुई आखिरी वक्त तक देखा, फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक गेंद थी, यहां पर भाप लिया था, सिंगल रन जरूर बटोरा है। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली, 21, आने वाली 23 गेंद, 31 की दरकार इस मैच को अभी भी जीतने के लिए। थोड़ा सा यहां पर चर्चा कीजिए, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी नजर आ रही अलग, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा दबाव दोनों ही टीमों पर होगा, ये बड़ा मैच है, अगर यहां से आप मैच को जीतते हो तो एक प्राइस के हकदार, टॉप 4 में पहुंचोगे, पीवीटी ट्रॉफी 2023, और 4 टीमों को टी शर्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो सेमी में 4 टी शर्ट पहुंचेंगे उन्हें टी शर्ट दिए जाएंगे पीवीटी कंपनी, पीवीटी ट्रॉफी के माध्यम से। रोहित यादव, सोनू यादव और पूरी टीम बेहतरीन वर्क करती है इस टूर्नामेंट को लेकर। बढ़िया शॉट वहां पर महेश यादव,
महेश तेरे नजर आ रहे हैं, बढ़िया फील्डिंग इस वक्त देख सकते हैं। 3 रन अपने टीम के लिए बचा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, 1 से आगे चलता स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 22। पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल आए हैं, आने वाली 22 गेंदे बनाने हैं 30। मैच अभी भी ऑन है दोनों ही टीमों के लिए, तो यहां से संघर्ष कौन करेगा, किस टीम का यहां से स्विच ऑफ होगा, ऑन है कौन सी टीम स्विच ऑफ करना चाहेगी। एक तरफ साई गणेश सातपाड़ी तो एक तरफ टीम नजर आएगी सरावली। काफी क्रूशियल, काफी बड़ा मैच दोनों ही टीमों के लिए। एक तरफ रेड टी शर्ट, एक तरफ येलो ब्लू टी शर्ट, तो लाल टी शर्ट पहनकर आई है टीम रेड एंड व्हाइट। स्पिन ब्रेकर काम करना चाहेगी कि सरावली, या फिर सरावली इस मैच को जीतकर टॉप 4 में पहुंचना चाहेगी। फुल टॉस बॉल, वहां पर दिवेश है, थोड़ा सा फंबल हुए हैं, प्रयास बढ़िया था, 1 रन का इजाफा। पहली 3 गेंदों में 3 सिंगल आए अंपायर्स। दिवेश दिवेश 3 चेंडू वाले टीम मीटिंग प्लीज लगे चालू करा। चलो यहाँ पर 3 गेंदे 3 सिंगल बटर जा चुके, फुल टॉस गेंदी, बढ़िया शॉट खेला था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। अब देख सकते हैं राइट हैंड बल्लेबाज के लिए ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी को तैनात किया गया, भावेश अर्ची और दिवेश पाटिल ऑन साइड पर, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। फुल टॉस बॉल, गैप में गेंद, प्रयास बढ़िया था मगर गेंद जाती मैदान के बाहर 4 रन के लिए। देश माची के बल्ले से आता हुआ इस वक्त चौका। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 27-27 27 लगे स्कोर कार्ड पर 27 अंपायर्स जगदीश और अफजल कमेटी मेंबर्स, आपको वार्न करना है अंपायर्स, ज्यादा वक्त हुआ जा रहा है, मैच काफी क्रूशियल है बट वक्त हमारे पास कम है, मैच शुरू करना है प्लीज। तो गेंदों की बात की जाए, गेंदे हो चुकी हैं 4, तो चल ओहो बढ़िया गेंद है, बढ़िया गेंद है इस वक्त, फ्लाइट ठीक डॉट आई है, तो चौका चौका लगने के बाद बढ़िया कमबैक डॉट आती है गेंद। तो चलेंगे इस वक्त मैदान के अंदर आखिरी गेंद इस ओवर की, बढ़िया यहां पर पार्टनरशिप बनती हुई कट किया गया, बेहतरीन शॉट मगर डिक्लेयर जोन में गेंद जाते हुए। ओवर नंबर की बात की जाए, 3 ओवर समाप्त होते हुए स्कोर कार्ड की बात की जाए 28-28 9.33 की औसत से रन बन चुके हैं, 28 लगे स्कोर कार्ड पर। आने वाली 18 गेंदे यहां से बनाने हैं मैच को जीतने के लिए, 24-24 जो 8 का औसत है ना बरकरार रखा है दोनों बल्लेबाजों ने, बढ़िया पार्टनरशिप लगती हुई 27 रन की पार्टनरशिप लगाई जा चुकी है अभी तक। गेंदों की बात की जाए, 17 गेंदे 27 की पार्टनरशिप। राहुल की बात की जाए, राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त, हम देख सकते हैं 10 गेंदे 18 पर और 7 गेंदे 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जयेश माची। क्या पार्टनरशिप पनपती हुई नजर आ रही है मैदान के अंदर, थोड़ा सा यहां पर दबाव होगा मगर मैच अभी भी ऑन है दोनों ही टीमों के लिए, मैच का पासा कभी भी पलट सकता है। आने वाली 18 गेंदे और बनाने हैं 24। यहां पर महेश को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने पहली ओवर डाली थी, रन खर्च किए थे, बात की जाए 8, वही गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के लिए आते हुए। अनुभव है इस खिलाड़ी के पास, अनुभव को साझा करना चाहेंगे। और इस अगर जोड़ी की बात की जाए ना, ये जोड़ी काफी महत्वपूर्ण है, अगर आप जोड़ी को तोड़ते हो ना तो कहीं से कम बैक कर सकते हो। राहुल का बल्ला बेहतरीन बोल रहा है मैदान के अंदर, सिंगल डबल खेल रहे हैं, चौके लगा रहे हैं, यहां पर पार्टनरशिप बन चुकी है, पार्टनरशिप को रोकना होगा, किसी गेंदबाज को स्पीड ब्रेकर बनकर आना होगा, जो तेज गाड़ियां चल रही हैं उनकी स्पीड को स्लो करना होगा तो मैच बन सकता है। बढ़िया गेंद यहां पर कट किया, हर्षल वहां पर गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक 1 रन पूरा किया गया, बेहतरीन कॉलिंग, बेहतरीन रन बिटवीन द विकेट। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली 29। हेलो सत्रह गेंदे 23 की दरकार, 17 गेंदे हम देख सकते हैं, और हमारे पास आज टॉय भी घूमता हुआ नजर आ रहा है, उसी के दिशा में गेंद को खेला गया था। राहुल माची
बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक सिंगल आता हुआ, एक एक रन नजदीक पहुंचने अपने मंजिल के सरावली। स्कोर कार्ड की बात की जाए 30 लग चुके हैं। आने वाले गेंदों की बात की जाए 16 गेंदे और बनाने इस मैच को जीतने के लिए 22 की दरकार होगी। जयेश माची और राहुल माची दो माची बंधु मैदान के अंदर। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन नजर आता हुआ। बढ़िया शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कैच का मौका बना था मगर गेंद कैरी नहीं हो पाई, थोड़ी सी गेंद आगे गिरी है। बढ़िया फील्डिंग हर्षल द्वारा। आज योगेश तरे नजर नहीं आ रहे हैं साइगन सातपाटी टीम में, कहीं ना कहीं गेंदबाज की थोड़ी सी कमी नजर आती हुई। तो यहां पर मैच बन सकता है क्योंकि महेश यादव जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक्सपीरियंस गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करता हुआ। लेग ब्रेक गेंद, यहां पर बसंत ने गलती की है, टप्पा के बाद गेंद अंदर आई थी मगर यहां पर ये गलती, एक एक रन कितना महत्वपूर्ण है ना। वो कोविड-19 के वक्त हमें पता था, जब सांस, एक एक सांस काफी महत्वपूर्ण थी, उस तरह से यहां पर साई गणेश सातपाटी टीम को एक एक रन महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह के रन आप खर्च करेंगे तो आपकी टीम थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आएगी। ये एक्स्ट्रा रन खर्च किया 22 के रूप में। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली 32-20 की दरकार। गेंदों की बात की जाए 4 गेंदे हो चुकी हैं, 14 गेंदे 20 बनाने हैं। यहां से अगर 2 सिंगल आएंगे तो आने वाली दौर में 18 नजर आएंगे। यहां से एक हाथ बड़ा शॉट आएगा तो समीकरण बदलेगा, अगर यहां से गेंदे डॉट आएंगी तो प्रेशर बनेगा सरावली टीम के ऊपर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद का पैरों ब्रश की बसंत गेंद को देख रहे थे मगर नजरें नहीं थी गेंद पर और गेंद उठा नहीं पाए। लेग 22 के रूप में एक रन आता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड आप पहुंचा इस वक्त 33-33 अंकों पर। आने वाली गेंदों की बात की जाए 13 गेंदे होंगी, 13 गेंदे 17 या 19 माफ कीजिएगा 13 गेंदे 19 की दरकार। 13 बॉल 19 रन सुबह टीम सरावली। शॉट बढ़िया, खिलाड़ी वहां मौजूद और चुप, बढ़िया फील्डिंग। मैंने कहा ना यहां पर अगर एक गेंद और आती है तो यहां पर प्रेशर बनेगा। इस ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए हैं, ये कमबैक करने वाला ओवर होगा। जिस तरह से हमने देखा था पहली इनिंग की आखिरी 2 ओवर बढ़िया तरह से डाली थी, दीपेश ने 3 रन खर्च किए थे और आखिरी ओवर में 11 खर्च किए थे कल्पेश बोहिर ने, पिछली 2 ओवर में 13 खर्च किए थे, वहां से कमबैक किया था सरावली टीम ने। तो यहां पर ये कमबैक करने वाली ओवर होगी क्या? आने वाली 12 गेंदे 9.50 के औसत से बनाने 19 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। एक तरफ सरावली तो एक तरफ साई गणेश सातपाटी। हर्षल को बुलाया गया, गेंदबाजी के लिए जिन्होंने पहली ओवर डाली थी, रन खर्च की थी 12, उसी गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताया गया है। कप्तान दिवेश पाटिल खुद ही बढ़िया गेंदबाजी कर, उनका ओवर आना बाकी होगा, आखिरी ओवर लेकर आएंगे मगर 5वीं ओवर में बुलाया गया गेंदबाज हर्षल को, अनुभव है इसके पास मगर महेश की तारीफ करनी होगी। 2 ओवर डाले हैं और मात्र रन खर्च किए 13, बेहतरीन गेंदबाजी की गई उनके माध्यम से। 12 गेंदे 19 की दरकार। एक तरफ जयेश माची तो एक तरफ पर नजर आएंगे राहुल माची, दो माची बंधु मैदान के अंदर। तो इसकी चर्चा जरूर की जा रही है साई गणेश सातपाटी टीम के कैप्टन दिवेश। 12 गेंदे 19 हर्षल टू जयेश सलामी बल्लेबाज। खराब गेंदे यहां पर काफी बाहर डाली गई थी, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जहां पहुंचा इस वक्त 34 34 रनों पर। आने वाली 12 गेंदे 18 की दरकार, 9 की दरकार होगी प्रति ओवर। फिर से एक बार लगातार, कहते हैं ना बल्लेबाज के बल्ले में कहा था हमें, मेरी गेंदी वहां गिर रही है जहां चूना कम है। इस तरह के 2 व्हाइट गेंदे डाली जा चुकी है। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जहां पहुंचा इस वक्त 35-35 समीकरण बदला है। आने वाली 12 गेंदे बनाने इस मैच को जीतने के लिए 17-17 सुबीन 12 बॉल। मिस्टर हर्षल ये दबाव, ये प्रेशर साफ झलकता हुआ गेंदबाज के ऊपर, टप्पा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बढ़िया टप्पे पे गेंद डाली थी वहां पर महेश है गेंद को, अब है गेंद को फील्ड किया गया। बढ़िया बढ़िया फील्डिंग अभी तक देख सकते हैं हम। स्कोर कार्ड जा पहुंचा 36-36। आने वाली 11 गेंदे 16 की दरकार, स्वीट 16 लगाने होंगे आने वाली 11 गेंदों में। यहां पर फरवरी का महीना चल रहा है तो कहते हैं ना कमबख्त फरवरी कितने लोगों के दिल तोड़ती है, कमबख्त फरवरी कितने लोगों के दिल तोड़ती है, इसीलिए इस महीने के दिन कम नहीं किए गए हैं। तो यहां पर किसका दिल टूटेगा? एक तरफ सरावली तो एक तरफ साई गणेश सातपाटी। हमारे पास टॉय जुड़े हुए, उनका भी दिल टूटा हुआ है फरवरी के महीने में। तो यहां पर देखेंगे 11 गेंदे और 16 की दरकार। बढ़िया शॉट, क्या बल्लेबाजी कर रहा है
राहुल माची, कहते हैं ना माचिस तो फालतू में बदनाम है, माचिस तो फालतू में बदनाम है। इस वक्त पीवीटी चषक के मैदान पर आग राहुल माची लगा रहा है। क्या बल्लेबाजी करता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी। 14 गेंदे और रन बनाए गए हैं। 23 पर बल्लेबाजी करता हुआ राजू राहुल। इस वक्त लेफ्ट हैंड क्रैकर स्मैशर खेला गया, बल्लेबाज को कूदने का मौका दिया, उनसे डाइव लगाई मगर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए समीकरण बदल चुका है। 10 गेंदे बनाने 12 रन। सातवारी टीम की बात की जब 5 विकेट गवाए थे, 1 विकेट गवाया सरावली टीम ने। यहां पर मौका है, दस्तूर है सरावली टीम को टॉप 4 में जाने का पीवीडी चषक 2023 में। दोनों ही टीम के पास मौका, अभी नहीं तो कभी नहीं। 365 दिन का इंतजार करना होगा। पीवीडी कंपनी एंड सोनू यादव जब ये टूर्नामेंट लेकर आएंगे तब आप इस मैदान पर खेलते हुए नजर आओगे पीवीडी चषक। ये मौका काफी सुनहरा है दोनों ही टीमों के लिए। टॉप 4 में कौन सी पहली टीम जाएगी, साई गणेश सातपाड़ी या फिर सरावली। 10 गेंदे 12 की दरकार यहां पर। ये सेंसिबल क्रिकेट है, बड़ा शॉट आया है, सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। ये बढ़िया बल्लेबाजी है, कहते हैं ना कैलकुलेशन होना काफी जरूरी होता है। जिंदगी हो या क्रिकेट का मैदान, आप जब कैलकुलेशन खेलते हो ना तो आपकी जिंदगी भी संवरती है और क्रिकेट के मैदान पर आपकी टीम जीतती हुई नजर आती है। ये बढ़िया कैलकुलेशन है। बल्लेबाज की बात की जाए राहुल माची द्वारा, 15 गेंदे 24 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली 41। 9 गेंदे 11 की दरकार, 9 बॉल 11 रन टू विन। जड़ में रखा था, हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, अब जुआ है कि फील्ड करेंगे। तब तक एक सिंगल काफी तेजी से पूरा करते हुए। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली, स्कोर कार्ड जा पहुंचा 42-42। गेंदों की बात की जाए, गेंद हो चुकी है 4, पहली 2 गेंदे व्हाइट आई है, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर चौका, पिछली 2 गेंदों पर जो सिंगल, 9 रन खर्च किए गए हैं। यूसुफ 2 मिनट, टॉय आप थोड़ा दूर रहो, टॉय से विनती रहेगी बाउंड्री रन के दूर रहो, डिस्टर्ब नहीं करना बैट्समैन को। धन्यवाद। बढ़िया शॉट, गैप पे गेंद है। कहते ना कि कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, बादशाह भी बन जाओ, दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ये उम्मीद है सरावली टीम की। राहुल माची क्या बल्लेबाजी कर रहा है, समीकरण बदला है। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पर लगे इस वक्त 46-46 रन, मात्र 6 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। 7 गेंदे 6 रन की दरकार। राहुल माची क्या बल्लेबाजी कर रहा है। कहते हैं शाहरुख खान की बहुत सी पिक्चरों में एक डायलॉग है, राहुल नाम तो सुना ही होगा। इस तरह का बल्लेबाज मैदान के अंदर, ये बल्लेबाज का नाम राहुल नजर आ रहा है। हल्के बल्ले से खेला गया, खिलाड़ी वहां मौजूद है, गेंद को फील्ड थ्रो किया और इस मैच को लेवल होता हुआ। कहते हैं ना मां कसम ओ भाई लेवल, ये मैच लेवल होता हुआ। मात्र 1 रन की दरकार, खुशियां यहां पर उजागर होती हुई। 6 गेंद 1 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। हम चलेंगे डीजे मास्टर की तरफ। सर ये बाउंड्री सोने पे हो गया, यहाँ पे मराठी संगीतलं म्हणजे सोन्याहून पिवळं इथे चौकार भेटतोय। धन्यवाद धन्यवाद डीजे एंड मिस्टर प्रीतम खरत, तो टॉय भी एंजॉय कर रहे हैं। टास्क किया गया, आखिरी ओवर लेकर आएंगे कप्तान दिवेश पाटिल। मात्र 1 रन की दरकार, ये पलटवार, 6 गेंदे 1 रन की दरकार, अटैकिंग फील्ड लगाई जाएगी। राहुल माची आज हीरो होंगे, जल्लोष किया जाएगा सरावली की ग्राउंड पर राहुल के नाम से। बात की जाए बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल, 17 गेंदे 33 रन की दरकार इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 बॉल 1 की दरकार, 6 गेंदे 1, अटैकिंग फील्ड हम देख सकते हैं। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी को तैनात किया गया, ऑफ साइड पर 3। गेंदबाज की बात करें दिवेश पाटिल, 1 बॉल 1 रन की दरकार, 6 गेंदे 1 और बढ़िया गेंद, और इस वक्त पहली टीम पीवीटी ट्रॉफी 2023 में मेगा टॉप 4 में जाने वाली नजर आती हुई सरावली संघ। सरावली संघ एक मिनट इथे थांबा, सरावली संघ प्रेक्षकांना बाहेर काढायचंय, फक्त खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये, प्रेक्षकांनी बाहेर एन्जॉय करायचं प्लीज, विनंती असेल। सामना सुरे का हँडशेक करायचा आहे।